दोस्तों बॉलीवुड जगत में 90 का दशक एक ऐसा दशक रहा है जिसमें कुछ एक्ट्रेस अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी, लेकिन अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव में फंसकर वो पर्दे से इतना दूर हो जाती हैं कि केवल एक नाम बनकर ही रह जाती हैं। एक ऐसा ही नाम है शांति प्रिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने की एक्ट्रेस शांति प्रिया के बारे में, जिनकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरपूर रही, और साथ ही आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनकी फैमिली से। तो दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। बात करें शांति के प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जन्म 22 सितंबर 1969 को आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवम शहर में हुआ था। ये एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपनी शुरू से लेकर स्नातक की पढ़ाई आंध्र प्रदेश में ही पूरी की। इन्हें निशांति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि बचपन से ही शांति को एक्टिंग का बहुत शौक था और हमेशा से ही एक सफल अभिनेत्री बनना चाहती थी। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले शांति प्रिया तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती थी और अप्रैल 1987 में आई फिल्म एंगा ओरू पटिकुरन से इन्होंने तमिल मूवीज में अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म तमिल लैंग्वेज की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसके निर्देशक गंगई अमरन थे। शांति की ये पहली फिल्म काफी हिट साबित हुई, जिसके चलते इस फिल्म को 1987 की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवीज में गिना जाने लगा। तमिल और तेलुगु भाषा की अग्नि, महर्षि, नाकुपल्लम कावेली, सिम्हा स्वप्नम जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय से अपनी पहचान बनाने वाली शांति प्रिया 1989 से 1990 में डीडी नेशनल के सीरियल ब्रह्मश्री विश्वामित्र में शकुंतला का किरदार निभाती नजर आई। इसके बाद इन्होंने आर्यमान, माता की चौकी और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसिद्ध भक्ति सीरियल्स में भी काम किया। जनवरी 1991 में इकबाल दुर्रानी पीढ़ी द्वारा लिखित फिल्म सौगंध शांति के बॉलीवुड करियर की पहली फिल्म थी, जिसमें इन्हें अक्षय कुमार, राखी गुलजार, मुकेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में जहां अक्षय शिव कृपलानी के किरदार में नजर आए थे, वहीं शांति ने चांद की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की खास बात यह भी रही कि यह फिल्म अक्षय और शांति प्रिया के करियर की पहली मूवी थी। हालांकि ये फिल्म बड़े पर्दे पर ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन शांति अपने बेहतर अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में जरूर कामयाब रही, जिसके चलते इन्हें फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर मिलने लगे, जिसमें फूल और अंगारे, मेहरबान, अंधा इंतकाम, मेरे सजना साथ निभाना जैसी 36 फिल्में शामिल हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्लैक लिव्स मूवमेंट को लेकर कई देशों में इनके खिलाफ आवाज उठाई गई, जिसके दौरान भारत में भी फेयरनेस क्रीम को लेकर विवाद खड़ा हो गया, और इसी विवाद के जरिए शांति ने भी अपने साथ हुए रंग मतभेद को सबके सामने रखा और बताया कि कैसे उनको और उनकी बहन को अपने सांवले रंग के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब मैं बॉलीवुड में काम करने आई थी तो सांवला रंग ही मेरा दुश्मन बन गया था। उनको अपने रंग के कारण बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि शांति प्रिया में टैलेंट की कमी थी, लेकिन सांवले रंग के चलते कभी उनका मजाक उड़ाया जाता था तो कभी एक्टिंग के दौरान ही मेकअप के लिए उन्हें डांट खानी पड़ती थी, जिससे धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटता चला गया, जिसकी बदौलत 1994 में आई फिल्म इक्के पे इक्का शांति की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपने आप को दरकिनार कर लिया। इनके पिता का नाम पांडू बाबू और माता का नाम रागमाली था। इनके एक भाई भी थे जिनका नाम गोपाल कृष्ण था। आइए अब आपको मिलवाते हैं इनकी बड़ी बहन भानुप्रिया से। शांति की बहन भानुप्रिया एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ साथ डांसर भी हैं। इनका जन्म 15 जनवरी 1967 में आंध्र प्रदेश राज्य के रंगपमेटा में हुआ था। शांति की तरह ही भानुप्रिया ने भी तेलुगु, तमिल और कन्नड़ के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम किया था। हालांकि भानु की पहली फिल्म मेला पैसुंगल 1983 में ही रिलीज हुई थी, लेकिन इनके करियर की शानदार शुरुआत तेलुगु फिल्म सितारा से मानी जाती है। इस फिल्म को नेशनल लेवल पर भी कई अवार्ड्स मिले थे। इसमें भानु के अभिनय को काफी पसंद किया गया था।
फिल्म सितारा से रातों रात स्टार बनने वाली भानु प्रिया ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 1986 में आई फिल्म दोस्ती और दुश्मनी से अपने सपनों को नई उड़ान दी। अपने 33 साल के करियर में भानु ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें भाभी, खुदगर्ज, इंसाफ की पुकार, मर मिटेंगे और गरीबों का दाता जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। भानु को तेलुगु और तमिल फिल्मों में बेस्ट एक्टिंग के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। बताया जाता है उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर अमेरिका में रहने वाले आदर्श कौशल से शादी की थी। भानु आदर्श कौशल को बहुत पसंद किया करती थी, जो कि इनके माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आदर्श कौशल अमेरिका में एक डिजिटल ग्राफिक्स डिजाइनर थे। इन दोनों की बातें अक्सर फोन पर ही हो जाया करती थी और 14 जून 1998 में भानु ने कैलिफोर्निया में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में शादी कर ली। और फिर वही हुआ जो लगभग कई एक्ट्रेस के साथ होता है। इनकी ये शादी आपसी मनमुटाव के चलते ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और बेटी अभिनय के जन्म के बाद 2005 में भानु ने कौशल को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद भानु चेन्नई वापस चली गई और 2018 में कौशल की कार्डियक अरेस्ट जैसी घातक बीमारी से मृत्यु हो गई। भानु आज भी चेन्नई में रहकर ही अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। बात शांति प्रिया की पर्सनल लाइफ की करें तो 1999 में इनकी शादी वी शांताराम के पोते एक्टर सिद्धार्थ रे से हुई थी। 1992 में आई फिल्म वंश सिद्धार्थ रे की डेब्यू मूवी थी। बाजीगर फिल्म में इंस्पेक्टर करण सक्सेना का रोल निभाने वाले सिद्धार्थ पर फिल्माया गया ये गाना छुपाना भी नहीं आता लोगों को आज भी काफी पसंद आता है। युद्धपथ, पनाह और मिलिट्री राज जैसी फिल्मों में काम करने वाले सिद्धार्थ रे की 2004 में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई और सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद मानो शांति की दुनिया भी थम सी गई। पति की मौत के बाद शांति को अपने दोनों बच्चों शिष्या रे और शुभम रे की जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ी। उनके परवरिश में कोई कमी ना रह जाए इस सोच के चलते शांति ने अपना सारा समय बच्चों को दिया और एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया। भले ही शांति ने बॉलीवुड को शादी के पहले से ही अलविदा कह दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर आज भी इनकी झलक देखने को मिल जाती है। बिग बॉस सीजन 14 में एंट्री की खबर को लेकर भी शांति काफी चर्चा में रही, हालांकि इन्हें यह मौका नहीं मिला। आपको बता दें 28 सालों के एक लंबे ब्रेक के बाद शांति प्रिया अब फिर से विनय चंद्र की बायोपिक सरोजनी से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं, जिसको लेकर वो अक्सर सुर्खियों में नजर आती हैं। बताया जाता है कि इस फिल्म में सरोजनी नायडू की बुजुर्ग अवस्था की भूमिका के लिए दीपिका चिखलिया को चुना गया था, लेकिन अब इस किरदार को निभाने के लिए शांति प्रिया को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि ये फिल्म हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु चार भाषाओं में बन रही है। ये फिल्म पूरी तरह से द नाइट इंगेल ऑफ इंडिया कही जाने वाली सरोजनी नायडू के जीवन पर आधारित है। इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट के जरिए शांति ने अपनी फिल्म को लेकर खुशी को जाहिर करते हुए बताया कि मेरे पास अपनी खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत ही खुश हूं कि मुझे इतनी मजबूत महिला का रोल निभाने का मौका मिल रहा है, जिसने राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मैं इस रोल को निभाने में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश, मदिकेरी और मुंबई से ही जून में स्टार्ट होनी है। देखना यह है कि शांति प्रिया अपने इस नए अवतार से किस तरह अपने आप को साबित करती हैं। दर्शकों, हमें आशा है कि अभिनेत्री शांति प्रिया के बारे में बताई गई जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें और साथ ही ये भी बताएं कि आने वाले वीडियोस में आप किस सेलिब्रिटी को देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।